वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे बिहार में बीएड चयनितों के लिए एक बुरी अपडेट आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से बीएड चयनितों को लेकर के जो अंतिम राहत की उम्मीद है उस पर सुनवाई 1 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम रूप से होने जा रही है। जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं। डियर आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट आप देख सकती हैं, यहाँ पर डायरी नंबर 53332023 अर्चना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पर एक केस फाइल किया गया था। आप जानते हैं कि बिहार में छठवें फेज की शिक्षक भर्ती में लगभग 22,000 बीएड के कैंडिडेट जो चयनित हुए थे उनको पटना हाई कोर्ट के द्वारा सिंगल बेंच के द्वारा पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था। उसको लेकर के जिसका वेट था कि अभ्यर्थी और कहीं ना कहीं जो सरकार है बिहार की वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि 90 दिन का जो टाइम ऑफ पीरियड होता है उसके अंदर उनको पहुंचना होता है। लेकिन फिलहाल 90 दिन का जो समय ऑफ टाइम ऑफ पीरियड था वो पूरी तरीके से अब समाप्त हुआ। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं बिहार से चयनित का काम खत्म, अब बीटीसी और शिक्षा में उत्तर प्रदेश से कोई नहीं हरा सकता, ये डीएलएड के कैंडिडेट कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने जो अपनी जीत है उसको निश्चित करने का एक उदाहरण दिया है, बिहार के छठे चरण की भर्ती हाई कोर्ट डबल बेंच ने खारिज कर दिया। उसको बीएड वालों ने जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था 90 दिन पूरा हो गया और अपना केस जो है नहीं लगवाया, इसलिए उनका केस अब स्वतः ही समाप्त हो गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई राज्य की हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो 30 दिन के अंदर उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में या अपेक्स कोर्ट में उस मामले को चैलेंज किया जाता है। फिलहाल बिहार की जो सरकार थी वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाने की फिराक में थी बीएड चयनितों को लेकर के, लेकिन नहीं गई। उसका एक महत्वपूर्ण रीजन है, उसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं डायरी नंबर 43-03/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दरअसल ये मैटर मध्य प्रदेश से जुड़ा है क्लैरिफिकेशन को लेकर के, तो यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था इसकी सुनवाई 13 मार्च को हुई थी जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच पर। लेकिन फिलहाल इसकी जो अंतिम सुनवाई की डेट एक और नियत की गई वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 1 अप्रैल यहाँ पर सेलेक्ट की गई। अब बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो लगा हुआ है एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन लगा है, क्योंकि यहाँ पर पिछली सुनवाई जब हुई थी 13 मार्च को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच में तो उन्होंने बीएड चयनितों को लेकर के सकारात्मक संकेत दिए। उनका पहला ही प्रश्न यही था कि क्या बीएड चयनितों को 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ करने पर डीएलएड के समकक्ष छा सकते हैं क्वालिफिकेशंस। बड़ा टर्निंग पॉइंट पिछली सुनवाई में यहां पर देखने को मिला, और इसलिए क्योंकि 11 अगस्त 2023 को निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, एनसीटी के गजट को क्वेश कर दिया था और बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से बाहर कर दिया था प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना जो जजमेंट है उसको कहीं ना कहीं ओवर रूल करने का अधिकार है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट यहां से बीएड चयनितों को राहत देती है 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ डीएलएड के इक्वल करने के लिए वो तैयार हो जाती है। जैसा कि पिछली सुनवाई में उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है और उसका जो जवाब है निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने दिया होगा, एनसीटी मेजोरिटी और यूनियन ऑफ इंडिया ने मिलकर सारे जवाब दिए होंगे। दो सवाल उन्होंने पूछा था कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के कितने पद पूरे भारत के हर एक स्टेट में इस समय खाली हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि बीएड कैंडिडेटों को ऐसा कोई कोर्स है क्या जिसको कराने के बाद डीएलएड के इक्वल किया जाए, यानी कि वही वो 6 माह के ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिहार में भले ही निश्चित तौर पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीएड चयनितों को बाहर किया गया है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से बीएड चयनितों को राहत दी जाती है जो कि एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन के डेट लगी हुई है आने वाली 1 अप्रैल को, क्योंकि होली पड़ रही है, होली के बाद जो छुट्टियां होंगी उस होली होली की जो छुट्टियों के बाद जैसे ही अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुलेगी और 1 अप्रैल 2024 को इस केस को सुना जाएगा जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर। अगर वहां से सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को और रूल करती है और 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ बीएड चयनितों को सेव कर देती है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, जैसा कि मध्य प्रदेश में 11 से 12 हजार चयनित हैं बीएड के कैंडिडेट और इसी तरीके से अगर बात की जाए बिहार की 22,000 कैंडिडेट वहां पर सिलेक्ट हैं, तो अगर यहाँ पर बीएड चयनितों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो आप ये मान सकते हैं कि बिहार में भी जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स के साथ एलिजिबल हो जाएंगे। फिलहाल 1 अप्रैल को ही इसका निस्तारण होगा और इसीलिए
बिहार की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची क्योंकि ऑलरेडी इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं जब अपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो हर एक राज्य के लिए जो कहीं ना कहीं आप कहें कि पूरी तरीके से उसको लागू करवाने के लिए जो रूल होगा वो बाउंडेड हो जाएगा और हाई कोर्ट का जो आदेश होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब बड़ी कोर्ट का आदेश आ जाता है तो निचली जो अदालतों के फैसले होते हैं वो अपने आप ही पूरी तरीके से डिस्प्यूट हो जाते हैं। इसलिए बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची क्योंकि एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट द्वारा पूरे मामले को क्लैरिफिकेशन के रूप में फंसा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की पिछली सुनवाई में जिस तरीके से बीएड चरितों के पक्ष में कहीं ना कहीं जो नरमी है देखने को मिली, यही से संकेत निश्चित तौर पर बढ़े हैं कि बीएड चरितों के लिए कुछ ना कुछ जो विकल्प है वो सुप्रीम कोर्ट तलाश रही है। लेकिन डीएड की तरफ से भी मजबूती के साथ जो अपने पक्ष है रखे जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पिछली सुनवाई में बीएड कैंडिडेटों को राहत देने की बात की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ऑलरेडी ये पॉइंट पहले भी दर्शाए गए हैं। और इस तरीके की जो याचिका थी, चाहे बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका रही हो, दीपांकर गौरव की याचिकाएं रही हो, सब पर डीएड कैंडिडेटों की जीत की गई थी और याचिका को खारिज किया गया था। लेकिन पिछली बार, पहली बार ऐसा हुआ है, 13 मार्च 2024 को जब सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर बीएड चयनितों को लेकर के राहत देने के लिए जो विकल्प की तलाश है उस पर केंद्र सरकार से दो बड़े प्रश्न पूछे गए हैं। फिलहाल अगर वहां पर चयनितों को कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ किया जाता है तो आप ये मान लीजिए कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक में आने के उसके जो आसार है बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस कोर्स को करने के बाद डीएलएड के इक्वल किया जा रहा है 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ, उस कोर्स को पहले करवा करके डीएलएड के इक्वल भी किया जा सकता है। इस तरीके की तमाम जो छींटाकशी है वो आने वाली 1 अप्रैल को होंगी। डीएलएड की तरफ से भी एडवोकेटों की एक बड़ी फौज होगी और बीएड की तरफ से भी आप जानते हैं तुषार मेहता, अभिषेक मनु सिंघवी जी की एक बड़ी टीम होगी। और उसके बाद जो अहम फैसला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लेना होगा क्योंकि स्पेशल बेंच है और 1 अप्रैल को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के द्वारा इस पूरे मामले को अंतिम रूप से सुना जाएगा और उम्मीद है जो अपना फैसला है वो इस पर प्रदर्शित किया जाएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।